गैर मुल्की मोबाइल फोन्स की बरामद पर लगाई गई रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी के बाद पाकिस्तान में इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स सस्ते होने का इम्कान पैदा हो गया है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी टेक्नो की जानिब से मंगल को अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजे गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कंपनी ने अपने 4 मॉडल्स जबकि इन्फिनिक्स ने 2 मॉडल्स की कीमतों में कमी कर दी है। टेक्नो का कैनन 19 न्यू 13,000, स्पार्क्स 8 सी 7,000, पोवा न्यू 9,000 जबकि पोप 5 लाइट 8,000 रुपए सस्ता कर दिया गया है। दूसरी जानिब इन्फिनिक्स ने भी नोट 12 और हॉट 12 की कीमतों में 9,000 रुपए की कमी की है। यूं ये दोनों फोन्स बिलतरतीब 63,999 और 53,999 से कम होकर 54,999 और 44,999 रुपए के हो गए हैं। इन कंपनियों के मोबाइल फोन्स की कीमतों में कमी से जहां सारफीन खुश हैं, वहीं मुकामी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद के कुछ तहफ़ुज़ात भी हैं। एक सारिफ मोहम्मद आमिर ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि मैंने रमज़ान के महीने में इन्फिनिक्स का मोबाइल फ़ोन 45,000 रुपये में ख़रीदा था। परसों मुझे जब पता चला कि यही फ़ोन कम होकर 34,000 का हो गया है तो झटका सा लगा, मेरा एक तरह से 11,000 रुपए का नुकसान हो गया। पाकिस्तान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नायब सदर आमिर अल्लाह वाला समझते हैं कि इंपोर्टेड फोन्स पर ड्यूटी कम होने से मुकामी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट मुतासर होगी। हमारी मोबाइल फोन बनाने वाली इंडस्ट्री एलसीज न खुलने की वजह से 2 माह से बंद पड़ी है। इन हालात में लगभग 40,000 अफराद की नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। रेगुलेटरी ड्यूटी कम होने की वजह से इम्पोर्टेड मोबाइल फोन मुल्क में आना शुरू हो गए हैं जिससे मुकामी मार्केट पर असर पड़ रहा है। उनके बकौल इंपोर्टेड फोन्स पर ड्यूटी 20% थी जो अब निस हो गई है। आमिर अल्लाह वाला का कहना था कि ड्यूटी कम होने से इंपोर्टर्स को तो फायदा होगा लेकिन मुकामी सतह पर मोबाइल फोन्स बनाने वालों और हुकूमत को नुकसान होगा। जाहिर है हुकूमत को पहले की निस्बत कम टैक्स मिलेगा। आमिर अल्लाह वाला ने बताया कि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बड़ी मोबाइल फोन कंपनियों के प्लांट्स लग चुके हैं लेकिन जिन फोन्स की कीमतें कम हुई वो यहाँ तैयार नहीं हुए बल्कि इम्पोर्ट किए गए हैं। उन पर आपको पाकिस्तान का नाम नहीं मिलेगा। अगर मोबाइल फोन्स के पुर्जों की इंपोर्ट के लिए एलसीज ना खोलें तो मुकामी मार्केट शदीद मुतासिर होगी। एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक या माली इदारे की तरफ भेजे जाने वाली ऐसी दस्तावेज है जो इस बात की गारंटी देती है कि फरोख्त करिंदा खरीदार से मुकम्मल रकम बर वक्त वसूल करेगा। इसका इस्तेमाल आलमी कारोबारी सनत में होता है और इसके लिए किसी भी मुल्क के मरकजी बैंक की मंजूरी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मिनहाज गुलफाम रेगुलेटरी ड्यूटी कम होने को खुशाइन समझते हैं। उनके मुताबिक रेगुलेटरी ड्यूटी कम होने के हवाले से अभी तक कोई बाकायदा SRO तो जारी नहीं हुआ लेकिन 3 कंपनियों टेक्नो, इन्फिनिक्स और शाओमी ने अपने अपने मोबाइल फोन्स के नरखों में कमी की है। उन्होंने ये बात तस्लीम की कि मुकामी मैन्युफैक्चरर्स को अभी मुश्किलात का सामना है क्योंकि उन्हें खाम माल इंपोर्ट करना पड़ता है और अभी तक उनके एलसीज से मुतालिक मसाइल चल रहे हैं। मिनहाज गुलफाम ने कहा कि दीगर मोबाइल फोन्स की कीमतों में भी काफ़ी हद तक फ़र्क आएगा क्योंकि मार्केट में मुकाबले का रुझान होता है इसलिए बड़ी कंपनियां भी फोन्स की कीमतें रिवाइज करेंगी। फिलहाल कीमतों में कमी मोबाइल फोन सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। FBR ने कोई नया SRO जारी नहीं किया। दरामद होने वाले मोबाइल फोन्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम होने या पुरानी ड्यूटी बहाल रखने के हवाले से अभी तक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने बाकायदा कोई नया SRO जारी नहीं किया। दूसरी जानिब मुकामी मीडिया ने जुमेरात ही को चेयरमैन FBR आसिम अहमद के हवाले से ये बयान रिपोर्ट किया कि मोबाइल फोन्स और गाड़ियों में दीगर इम्पोर्टेड अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटीज के SRO की मियाद 31 मार्च को खत्म हो चुकी थी। तहा मुतल्लिका वजारतों की हदायत के बाद किसी वक्त भी नया SRO जारी कर दिया जाएगा। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।